चलिए अब बात परिवर्तन यात्रा की कर लेते हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा धरसीवां विधानसभा में निकली और यात्रा का बुलडोजर से स्वागत भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से फूल बरसाए। यात्रा में केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ भी शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद थे। धरसीवां में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से स्वागत किया। तो जहां जहां ये यात्रा निकल रही है वहां पर स्वागत किया जा रहा है। बुलडोजर पर खड़े होकर जो है फूल बरसाया गया इस परिवर्तन यात्रा के मार्ग में। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज रायपुर पहुंच चुकी है। इस वक्त बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो रथ पर मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत मौजूद है। हम उनसे ही बात करते हैं कि परिवर्तन यात्रा में क्या कुछ उन्हें देखने को मिला और किस तरीके की लहर बीजेपी को लेकर। सर, आप आज यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बाकायदा यहाँ पर आप लोगों ने लोगों का अभिवादन भी किया, एक उत्साह अलग सर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आज मैं नई दिल्ली से छत्तीसगढ़ में रायपुर एरिया में जो यात्रा चल रही है उसके मैं शामिल हुआ हूँ। सवेरे से देख रहा हूँ लोगों में बहुत ही उत्साह है, कार्यकर्ते हैं, महिला है, बच्चे हैं, सब लोग उत्साह के साथ परिवर्तन यात्रा में शामिल हो चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले विधानसभा में परिवर्तन हो जाएगा और भाजपा 2/3 मेजोरिटी के साथ जीतेगा, क्योंकि लोगों को जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत देश का विकास हो रहा है वैसे ही इस राज्य में भी विकास चाहिए। कुछ केंद्र के स्कीम्स ऐसे हैं यहाँ कांग्रेस का सरकार होने की वजह से लोगों तक पहुँच रही नहीं है, तो लोगों तक अगर विकास चाहिए तो परिवर्तन की जरूरत है। और जिस तरह से उत्साह हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर शहर में लग रहा है तो परिवर्तन अटल है और परिवर्तन के साथ भाजपा की सरकार इस छत्तीसगढ़ में बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं है, उसी के चलते केंद्रीय नेतृत्व तो लगातार इनके परिवर्तन यात्रा में आ रहा है। परिवर्तन यात्रा में आके पहले पीसी ले रहा है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहा है उनके योजनाओं को लेके, उनके द्वारा किए गए वादों को लेके, और उसके बाद यहाँ पर वो सभा में जा रहे हैं और सभा में भी झूठ परोस कर जा रहे हैं। मैं कांग्रेस को नेताओं को पूछना चाहता हूँ, आपने तो हाथ में गंगा जल लेके बताया था कि हम शराब को बंदी लेंगे, वो किया है? 10 लाख लोगों को, युवकों को हम रोजगार देंगे, वो भी नहीं किया है। तो सब कांग्रेस वाले ने झूठे वायदे किए थे। अब देखना ये होगा कि इस परिवर्तन यात्रा का कितना असर आने वाले चुनाव में पड़ता है और क्या ये यात्रा में जो लोगों की भीड़ थी वो वोट में परिवर्तित होती है। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज़, धरसीवां।